ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है। ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है। इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रेप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत झा ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने, कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मैंने कह रहा, कई एक वीडियो पूरे देश झारखंड में वायरल है, आप वहां कह करके आप सरकार में सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीएटीए सब बढ़ा लें। हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तराखंड में हैं, अब जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए। तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है, और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। आप कहें कि भाई इस बार हम आएंगे तो 1 लाख रुपए 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे, ऐसा कहकर के आपने चुनाव में जाने का वायदा किया, और चुनाव में गए, 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1 लाख दे करके भाई इतना देंगे। महोदय, इस सरकार में 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिस योजना का ये ढिंढोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिन अन्य योजना का आप ढिंढोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है, कितना ठगिएगा महाराज। जो परीक्षाएं आपने ली, वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, सब में कदाचार के आरोप लगे। जैसे सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन में कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर है, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इंफोटेक, जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इंफोटेक को जैसे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैकलिस्टेड है, आपने ब्लैकलिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे हैं। आपने जेई के एग्जाम में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर आगे नहीं बढ़ा, एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए, लेकिन उस एसआईटी का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी पीजीटी का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े, वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया, सारे नौकरियों को आपने बेच दिया, सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके जैसे सीजीएल के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी, वो चाहे पोषण सखी हो, चाहे और सहायक कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी, जिनसे आपने मालाएं पहनी, वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था,
और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई, बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया, कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई, पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना महाठगबर, अराजकता इसी की, अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे, इतना गंदा तरीके से यहाँ स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनके जान को खतरा है, जब डीएसपी और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया, क्यों गोलियां चली, क्यों अभी तक सीसीटीवी और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी ये घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया। ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कह देते कि वे डेमोग्राफी जो है, ये जो इसका बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है। और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी, हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर सुरु गवर्नमेंट नहीं दिया, उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा। ये सरकार को समझना होगा कि संथाल पुराना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।